बागेश्वर धाम की। भी पहुंचे हैं, कथा का भी आयोजन हो रहा है। बद्रीनाथ धाम में कथा और प्रवचन का कितना महत्व है? जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की। देवभूमि उत्तराखंड अद्भुत है। उत्तराखंड के सभी वासियों को खूब खूब सीताराम, बद्रीनाथ भगवान की जय। जो आए बद्री वो कभी न रहे दरिद्री। तो बद्री विशाल भगवान यहाँ साक्षात नरनारायण भगवान विराजमान है। हमारा सौभाग्य है कि हमको खाक चौक के हनुमान जी के दर्शन इनकी छत्र छाया में, परम पूज्य श्री बद्रीनाथ वाले वाल योगेश्वर महाराज जी की सानिध्यता में हमें रहने का सौभाग्य मिला। और बार बार आपकी ही कृपा के कारण हमको बद्रीनाथ भगवान के दर्शन हो रहे हैं। और आज हमारे साथ नेपाल से महायोगी सिद्ध बाबा पूज्य जगत गुरु महाराज जी भी हैं, आप भी कृपा कर रहे हैं। बद्रीनाथ में देखो, अन्य तीर्थों में मरने पर मुक्ति मिलती है, बद्रीनाथ में दर्शन में ही मुक्ति प्राप्त होती है। तो बद्रीनाथ का महत्व बहुत ज्यादा है। यहाँ पर कोई भी जप, हवन, यज्ञ, तप, ध्यान, विधि, कर्म, पूजा, पाठ, सत्कर्म, दान, पुण्य, अर्चन, वंदन, जो भी आप करेंगे उसका अनंत गुना नहीं 1000 गुना फल बढ़ जाता है। यहाँ पितरों को पिंडदान ब्रह्म कपाल में देने से 8 गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है एवं पितृ शांति होती है। ये वही ब्रह्म कपाल है जहाँ भगवान शंकर की भी ब्रह्म हत्या का सर यहाँ पर छूटा था, जो ब्रह्मा जी का सर अपने त्रिशूल से उन्होंने काटा था। ये वही बद्रीनाथ भगवान है जहाँ नर नारायण आज भी साक्षात रूप में यहाँ विराजमान। ये वही बद्रीनारायण भगवान है जहाँ श्रीमद भागवत कथा का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम सनत सनंदन सनातन सनत कुमारों ने नारद जी को चतुर्श्लोकी भागवत सुनाई थी। ये वही बद्रीनारायण भगवान है जहाँ गरुड़ जी ने 30,000 वर्षों तक तपस्या करके भगवान का वाहन बनने की मंगल कामना की थी। ये वही बद्रीनारायण भगवान है जहाँ लक्ष्मी जी बद्री का पेड़ बन करके यहाँ पर रह गई थी, इसलिए इस धाम का नाम ही बद्रीनाथ पड़ गया। हम आकर बहुत गदगद हैं। यहाँ के पहाड़ी लोग, देवभूमि के लोग बड़े प्यारे हैं। ये संतों की भूमि है, देवों की भूमि है, महंतों की भूमि है, भगवंत की भूमि है। यहाँ कण कण में देव विराजमान है, देवत्व विराजमान है। यहाँ भारत का प्रथम गांव 3 किलोमीटर आगे माणा गांव भी है। यहाँ आकर हमारा सौभाग्य जागा। हमें